जय हिंद। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो आतिशबाजी के लिए पठान तो आएगा ही और साथ में पटाखे भी लाएगा। पठान का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और पठान के ट्रेलर ने 10 मिनट में ही तहलका मचा करके रख दिया है और तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के कान को फाड़ करके रख दिया है। ये काम किया है किंग खान ने पठान में और पठान का ट्रेलर जो है अभी कुछ देर पहले लॉन्च हुआ और ट्रेलर ने आते ही तहलका मचा दिया है। एक्शन थ्रिलर सस्पेंस से भरी हुई इस फिल्म ने लाखों लोगों के दिलों पर सिर्फ छाप छोड़ दी है और छाप ऐसी नहीं कि गानों ने तहलका मचाया, गाने के बाद ट्रेलर में धमाका मचा दिया और ट्रेलर के धमाके के बाद अब 25 जनवरी को लोगों को थिएटर में जाने का इंतजार है। पर ये तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के गालों पर एक करारा तमाचा रहा पठान का ये ट्रेलर और पठान के ट्रेलर को लेकर के जिस तरीके से तमाम लोग और खासतौर पर केआरके ये बताते हुए नजर आया कि साहब पठान का नाम तो बदला जाएगा, पठान के ऊपर तो 25 कैची चलेगी, ये गोदी मीडिया चीख चीख करके बता रहा था। पर पठान के ट्रेलर ने यह साफ तौर पर दिखा दिया ना ही पठान पर कैची चलेगी और ना ही पठान का नाम बदला जाएगा, क्योंकि धमाके और सस्पेंस के लिए और थ्रिलर के लिए पूरी तरीके से तैयार है किंग खान और विरोध करने वाले आखिरकार कहां इसको लेकर के विरोध कर सकते हैं। तो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है ट्रेलर में, वनवास। शायद इसको ट्रोल करते हुए तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग बोले इसके साहब इस पे वनवास पे तो हमारा पेटेंट है, इसलिए अब विरोध और तेज होगा कि पठान में वनवास का नाम कैसे यूज किया गया। पर देशभक्ति किस तरीके से शाहरुख खान में है वो शाहरुख खान ने इस ट्रेलर से लोगों को दिखा दिया और बता दिया। जो अंत में ट्रेलर का अंत हुआ वो वाकई लाखों लोगों के दिलों पर छाप छोड़ गया है, जहां शाहरुख खान इसमें साफ तौर पर कहते हैं कि एक जवान से ये कभी नहीं पूछा जाता कि आप देश के लिए क्या करते हैं, एक जवान देश के लिए क्या कर सकता है ये पूछा जाता है। जय हिंद। और इस ट्रेलर को विरोध करने वालों को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। और आज तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग दूरबीन ले लेकर के चेक करेंगे कि साहब कुछ तो विरोध का तरीका मिले, कुछ तो ऐसा वर्ड हो। पर ये साहब शाहरुख खान हैं, जो देश की पहचान इनके नाम से होती है। जहां आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं बोलते हैं इंडिया तो ये कहा जाता है कि शाहरुख खान वाला इंडिया, अमिताभ बच्चन वाला इंडिया। उसी शाहरुख खान की देशभक्ति पर सवाल खड़े करने की कोशिश जो है यहां के तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने की है। किस तरीके से रिएक्शन पठान को लेकर के सामने आया है एक बार इस पर नजर डालते हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान काफी समय से चर्चा में है। कुछ समय पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, टीजर को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसमें शाहरुख खान का एक्शन अवतार देखने को मिला था। वहीं कुछ दिन बाद इस फिल्म का गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ, जिसके बाद उस पर दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी पर जमकर देश में संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने बवाल काटा। अब शाहरुख खान की बहुचर्चित फिल्म पठान का ट्रेलर भी रिलीज हो गया। ट्रेलर में शाहरुख खान का जोरदार एक्शन सीन देखने को मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब से कुछ देर पहले 11 बजे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और रिलीज होते ही 10 मिनट के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोग ट्रेलर को देख चुके हैं। ट्रेलर में शाहरुख खान को देखकर उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं। दीपिका की हॉटनेस, जॉन अब्राहिम के एक्शन और विशाल शेखर के जबरदस्त म्यूजिक ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं और फैंस को फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइट कर दिया है।
जो 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने जा रही है। महज 15 दिन से कम का समय बचा इस पर अर्जुन कपूर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम जिस फैक्ट पर चर्चा कर रहे हैं वो इस समय इस अनुचित एडवांटेज देगा। हमें अपने सेंसर बोर्ड और केंद्र सरकार पर भरोसा करना होगा क्योंकि वे एक साथ काम करते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राय रखने का पूरी तरीके से अधिकार है, लेकिन आर्टिस्ट के रूप में हमें वही करना है जो फिल्म की मांग होती है और उस पर प्रमाणिकता पर टिके रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे सवाल में फंसने की जरूरत है जो अनावश्यक मजाक और बकबक पैदा करने वाली चीजों को अनुचित महत्व देता है। अर्जुन कपूर ने आगे कहा कि हमारा काम हमेशा वो होना चाहिए जो फिल्म के लिए जरूरी है और फिल्म को ऐसे लोगों को दे जो ये तय कर सके कि उन्हें क्या बुरा लगता है और क्या नहीं। मुझे लगता है कि लंबे समय से इसका पालन किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। हर फिल्म जो बनती है उसे एक प्रोसेस का पालन करना पड़ता है, यहां तक कि हमारी फिल्म में कोई एक्सपेंशन नहीं है। हमें लोकतंत्र में प्रक्रिया और नियमों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। ये अर्जुन कपूर ने पठान मूवी को लेकर के सवाल पूछा गया पत्रकारों द्वारा, तो उन्होंने ये बातें कही। पर पठान के ट्रेलर ने आते ही गदर मचा दिया है और तमाम संगी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के कान फाड़ दिए हैं, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। पर कुछ दिन पहले से ही तमाम लोग तमाम तरह की बकवास करते हुए दिखाई दे रहे थे कि साहब पठान पर कैची चलने वाली है और पठान का नाम बदला जाएगा। दो दिन पहले तक तमाम यूट्यूबर साथी और ट्रेलर के लॉन्च होने से एक घंटे पहले तक ट्रेलर को लॉन्च करके रिकॉर्ड तोड़ बता दिया। पर अब जब ट्रेलर आया है तो वाकई उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और किंग खान क्या है बॉलीवुड के लिए यह भी देश और दुनिया को बता दिया है। पर लोगों को विरोध सिर्फ फिल्म का इसलिए करना है कि एक तो पठान का नाम पठान क्यों, वो भी ऐसे दौर में किसी पठान को पूरी तरीके से दिखाया जाए। पठान नाम तो मुसलमान इसलिए विरोध करना है और दूसरा शाहरुख खान मुसलमान इसलिए हमें विरोध करना है कि कहीं ना कहीं हमारे धंधा जो है शाहरुख खान के नाम पर चलना चाहिए। और अब और जोर शोर से संगी मानसिकता से जुड़े हुए लोग लगेंगे कि बायकॉट पठान अब पूरी तरीके से फ्लॉप करके रहेंगे। पर शाहरुख खान ने जिस तरीके से फिल्म का प्रमोशन किया, फीफा वर्ल्ड कप में तमाम तरीके की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, वो इन तमाम लोगों के गालों पर एक करारे तमाचा जैसा है और ट्रेलर ने भी इसी तरीके से तमाचे संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के गालों पर जड़ दिए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।